Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एंड वेलकम टू testbook.com एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. सो आज आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर में हार्दिक स्वागत है आपका. और हम लोगों को करना है आपका प्रीवियस ईयर पेपर. क्वेश्चन आपके सामने है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है आज. और इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ मैं प्रकट हो गई है ना. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इट इज सेट टू बी. यदि किसी सामग्री में सभी दिशाओं में समान गुण है तो इसे क्या कहा जाता है. लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो हिंदी में है लंब दिश. हेलो एवरीवन वंस अगेन एंड वेरी गुड आफ्टरनून. ओके चलिए जल्दी से आंसर करिएगा. कनेक्ट टू डॉट्स. अमन ठाकुर, अमृता सिंह, ईशानी. ओके आंसर ऑप्शन नंबर टू पर आंसर आ रहा है. चलिए सो करेक्ट आंसर कर देते हैं. और सही है आपका ऑप्शन नंबर टू यानी कि आइसोट्रॉपिक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नॉर्मली आपके जो आइसोट्रॉपिक होते हैं वो आपके जैसे ग्लास और मेटल्स जो हैं वो एग्जांपल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना वो आपके हर डायरेक्शन में सेम होती है. ठीक है, तो जैसे ग्लास हो गया, मेटल हो गया, ये सब आपके एग्जाम्पल है आइसोट्रॉपिक मटीरियल्स के. क्लियर है, बात समझ में आया. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज. द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है जो किसमें बदलाव के लिए कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है. फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज. नीलेश शर्मा जी, वी आर ऑलरेडी लाइव, क्या हम आपको नहीं दिख रहे हैं. मयंक प्रदीप कुमार, वेरी गुड. रोहित सिन्हा, सही था आंसर. हाँ चलिए सो करेक्ट कर देते हैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर. और आपके इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन बोल रहा था कि द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है जो बदलाव के लिए कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता. और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड. ठीक है, तो यानी कि आपका आकार में दरअसल वो आपके प्रतिरोध प्रदान नहीं करता. आप उसको जिस भी उसमें डालोगे, जिस कंटेनर में डालोगे, वो वैसा उसका आकार उसका रूप ले लेगा. ठीक है, यानी कि वो उस चीज़ का तो विरोध कर नहीं रहा. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि आपका शेप इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ आंसर. वेरी गुड, पास्कल सेकंड किसकी यूनिट, किसकी इकाई है, आंसर करिएगा. ओके अनुष्का, अंकुश, ठीक है, मिस्टर इंडिया, वेरी गुड. शीला आरजी, ठीक है आंसर. ओके सुधीर धुर इस्लाम जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, चलो सो करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर वन, शुभम और मिस्टर इंडिया सबसे पहले जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर किया. सो करेक्ट कर देते हैं. और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि पूछ रहा है पास्कल और सेकंड की यूनिट आप लोगों से पूछ रहा है. और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि डायनामिक विस्कोसिटी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वेरी गुड गाइस, एकदम सही आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से. और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओम मीटर इज, यानी कि एक ओम मीटर क्या है. क्वेश्चन है ओम मीटर क्या है. सचिन द्विवेदी, प्रियंका राहत, ठीक है, संतोष जी, साक्षी, वेरी गुड,
दीपक गुप्ता, शशिकांत जी, अमन ठाकुर, वेरी गुड, राजू राजन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बहुत लोगों का आ तो रहा है, ओके। सो करेक्ट आंसर देते हैं, और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट या कहिए चलित कुंडल का उपकरण होता है ओम मीटर। क्लियर? तो अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को याद रखिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ CO2 टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत योगदान है? बताइएगा आंसर। थर्ड आंसर ऑप्शन आ रहा है 50%, वन भी ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट, ठीक है। काफी लोगों का वन आंसर आ रहा है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम? रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वन मोर थिंग गाइस, कि जिसका भी RRB JEE के एग्जाम्स का आ चुका है, एडमिट कार्ड उनके हाथ में, उनके पास में है, तो उसको प्लीज मेरी मेल आईडी पर आप फॉरवर्ड करिए अलोंग विथ योर नंबर, अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ अपना एडमिट कार्ड मेरी आईडी पर, या आपको टेस्ट बुक में किसी भी सर, किसी भी मैम की अगर आईडी पता है तो आप अपना एडमिट कार्ड कॉपी जो है वो हमें भेजिए। क्लियर? चलिए, सो करेक्ट आंसर कर देते हैं, और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बहुत सारा डिफरेंसेस है, और करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकंड आंसर आ रहा है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसमें सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी भी इसके उस पे आ सकता है, तो दो स्टेटमेंट यहाँ ऐसे हैं, तो हम लोग अभी इस क्वेश्चन को डेड मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का इनमें से कौन सा घटक नहीं है? आंसर करिएगा, CPU का कॉम्पोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है? ALU, CU, रजिस्टर और रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्लीज अपने एडमिट कार्ड, सीरियस अबाउट इट, आई एम रियली डैम सीरियस अबाउट इट, अपने एडमिट कार्ड आप लोग मेरी मेल आईडी पर मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ओके। चलिए करेक्ट आंसर कर देते हैं, और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आप लोगों की तरफ से आ रहा है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड भी आंसर आ रहा है, बट द करेक्ट आंसर देखते हैं, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक मिनट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? एडमिट कार्ड नहीं आया, ओके ओके। चलिए करेक्ट आंसर कर देते हैं, कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, आप लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन फोर्थ, और सही है, हाडूप जो है वो आपका एक वेब ब्राउजर नहीं होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लस्ट्रस इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में चमकदार है? नॉर्मली जितनी भी जो मेटल्स होती हैं वो मेटल आपकी लस्ट्रस नेचर की होती है, या कहिए धातुएं हमेशा चमकदार होती हैं, लेकिन इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में चमकदार ही नहीं है? सौरभ कुमार जी, एडमिट कार्ड का नॉर्मली आपके साथ बातचीत करेंगे और देन आफ्टर बताएंगे कि उसमें और क्या है, या आपका एग्जाम कैसा रहा ये भी पूछेंगे।
ओके सो करेक्ट आंसर कर देती हूँ और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आयोडीन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वैद्युतीय ऋणात्मकता क्या है. हर्ष उपाध्याय ठीक है, सौरभ कुमार प्रजापति वेरी गुड, नरेंद्र राठौर जी ठीक है, अभिषेक शुक्ला ओके, असलम खान जी क्लास 2:30 बजे होती है, सुबह 9:30 बजे होती है और रात को 8 बजे भी होती है. ओके करेक्ट आंसर कर देती हूँ और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड. तो इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड. इथेनोइक अम्ल में एक अणु में कितने कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं. जल्दी से आंसर करिएगा. ऑप्शन फोर्थ आ रहा है काफी लोगों का, सिक्स्थ भी आ रहा है ठीक है. ओके करेक्ट आंसर करते हैं और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि तीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आपके इथोनिक एसिड में होंगे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंस एंटर सेल थ्रू प्रोसेस गिवन ब्लो, फॉर विच प्रोसेस इज एनर्जी रिक्वायर्ड. आपके बाहरी पदार्थ नीचे दी गई प्रक्रियाओं के माध्यम से कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, इनमें से किस प्रक्रिया के लिए ऊर्जा आवश्यक है. आंसर करिएगा. ओके सो करेक्ट आंसर करते हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एब्सोल्युटली एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द राइट आंसर. ऑस्मोसिस इज नॉट अ राइट आंसर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन कलर आई कलर शेप ऑफ नोज एंड सम अदर फीचर्स आर कॉज्ड बाय. त्वचा का रंग, आंखों का रंग, नाक का आकार और कुछ अन्य विशेषताएं किसके कारण होती है. देखते हैं आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं. ओके सो करेक्ट आंसर करते हैं और आपका करेक्ट आंसर होगा जीन्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है तो जीन होगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी के साथ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. The above diagram is simplified outline of which physical function of the body? Answer. उपरोक्त आरेख शरीर की किस शारीरिक क्रिया की एक सरल उपरेखा है. सर ऊपर से ये सब्सक्राइब नाउ का डायग्राम हटाइए सो दैट डायग्राम दिखेंगे. मुझे भी हटा दीजिए. यस अगर एडमिट कार्ड आप लोगों का आ गया है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करिए अपना एडमिट कार्ड मेरी मेल आईडी पर. ओके सो आप लोगों को किस चीज का ये डायग्राम दिख रहा है और मेरे ख्याल से ऑप्शन थर्ड वर्ड आंसर आ रहा है. वेरी गुड, थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बाय सर्कुलेशन, अगर लंग्स है तो आपका सर्कुलेशन का डायग्राम हो जाएगा. ठीक है तो सर्कुलेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वेरी गुड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर. रिमेन इन द डार्क फॉर सेवरल डेज एंड डाइड बिकॉज इट कुड नॉट. एक पौधा कई दिनों तक अंधेरे में रहा और उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि वह क्या नहीं कर सकता था. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आप लोगों ने फोर्थ और फिफ्थ क्लास में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, टीचर ने कहा होगा यार एक्सपेरिमेंट करके देखना. मेरी मेल आई डी दीपक गुप्ता जी ये आ रही है मेरी नीचे मेल आई डी, देखिए शेफाली डॉट राठौर एट टेक्स्टबुक डॉट कॉम.
जहाँ पे सब्सक्राइब का आइकन आ रहा है ना, वहीं पर मेरी मेल आईडी आ रही है। ओके, सो करेक्ट आंसर करते हैं। बहुत टाइम दे दिया इस क्वेश्चन पे। फोटोसिंथेसिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश यानी कि आपका जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। प्रिया अभिषेक आंसर सही है, ईशान आंसर सही है, आकोश अशोक सॉरी आंसर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन इज मेड ऑफ सेल नोन एज, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मस्तिष्क किन कोशिकाओं से मिलकर बनता है। होप सो आप क्वेश्चन का जितना जल्दी आंसर करेंगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। मिस्टर इंडिया क्या हुआ, प्रभात जी, मोहम्मद असलम जी, प्राची सिंह वेरी गुड, जूली शर्मा, सुमन मेहता, नितिन कुमार वेरी गुड, गोविंद जी, एनटीपीसी की क्लासेस के बारे में जल्दी बताऊंगी क्योंकि आरआरबी जेई बस आज और कल का ही है, परसों से इनके एग्जाम है तो ये वाला स्लॉट अपन का खाली हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एनटीपीसी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज द ब्रेन पूछा है, तो ब्रेन आपका कंसिस्ट होता है न्यूरॉन से। किडनी पूछते तो आंसर नेफ्रॉन आ जाता, ठीक है, और ये साइटोन भी आपके नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा होता है वैसे, चलो जो न्यूरॉन है ना उसका हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज इट व्हेन स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट, शुक्राणु और डिंब द्वारा जुड़कर युग्मनस बनाने में किस तरह का प्रजनन होता है। कल कोई टेंशन नहीं लेना है, कल अपना आराम से तुम लोग चिल करना परसों से क्योंकि आपका एग्जाम है। ठीक है, कल कोई नई चीज पढ़ने की कोशिश मत करना। ओके, सो करेक्ट आंसर करते हो और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेक्सुअल। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया वॉज, ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत की पहली राजधानी कौन सी थी। आंसर करिए जल्दी से, मैं फिर बोल रही हूँ गाइज, अपने एडमिट कार्ड को प्लीज मेल करिए, एडमिट कार्ड मेल कर दीजिएगा। ओके, एडमिट कार्ड मेरी मेल आईडी पे मेल कर देना ध्यान से, या आपको किसी और फैकल्टी की भी मेल आईडी पड़ी है, अभिजीत सर की, परिकल्प सर की, प्रतिभा मैम की, तो आप उस पर भी कर सकते हो मुझे मेल। चलिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कैलकटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट वाज अनएक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू के युद्ध में अंत में क्या अप्रत्याशित घटना हुई। एंड द राइट आंसर, आप लोग के तरफ से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन फोर सही है, तो आपका सी एंड डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेपोलियन बोनापार्ट आपका जीत गया था और साथ ही साथ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जीते थे और बोनापार्ट हार गए थे। ठीक है, तो भाई सी और डी आपका होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से आंसर। नाइट वॉच, दीपक कुमार, निवेदिता गुप्ता, हर्ष उपाध्याय वेरी गुड, प्राची सिंह सही आंसर, नितिन आचल यादव वेरी गुड, प्रभात प्रभाकर, मयंक, अनुकृति श्रीवास्तवा, नीरज शाय ठीक है, दुर्ग सिंह सही आंसर आपका भी, आप थोड़ा स्लो पढ़ाओ, कृष्णा यादव ठीक है सर, एकदम स्लो पढ़ाते हैं सर। चलो तो करते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर, और इस क्वेश्चन के पूछा गया है कि हु फाउंडेड द नेशनल कांग्रेस, तो भाई एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या तुम लोग गोपाल कृष्ण गोखले गोखले क्या आंसर कर रहे हो भाई, ए ओ ह्यूम, बस पूरा नाम लिखा है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ए ओ ह्यूम होगा आपका सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं, क्या क्या लगा रखा है, थोड़ा स्लो थोड़ा फास्ट, हम यही करते रहे तुम लोग के हिसाब से नहीं हो पाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट आर प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनी क्या है, बताओ आंसर।
हाँ क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई थी, मुझे लग रहा था ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा दें तुम लोगों को, पर नहीं ठीक है स्लो ही करवा देते हैं। ओरियो बिस्कुट तुम आ गए, चलो बढ़ते इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। और आपका पूछा है प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, तो प्लेट टेक्टोनिक के लिए इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा कि मूवमेंट ऑफ प्लेट्स सपोर्टिंग द कॉन्टिनेंट्स। ओके, आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको सपोर्ट करती है आपकी टेक्टोनिक प्लेट, और उनका मूवमेंट उसको सपोर्ट करता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन रीजन ऑफ इंडिया विथ हाई रेलवे डेंसिटी इज फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू झारखंड बिकॉज, किस कारण से छत्तीसगढ़ से झारखंड तक क्षेत्र उच्च रेलवे घनत्व वाला भारतीय क्षेत्र है। आंसर करिएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर कर देते हैं, और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मिनरल डिपॉजिट्स के कारण आपका ये रीजन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सरस्वती रिवर इज टू द त्रिवेणी संगम और कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स एट इलाहाबाद डैश इज टू कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स एट कुर्ग। जैसे सरस्वती नदी त्रिवेणी संगम या इलाहाबाद में नदियों का संगम है, वैसे ही डैश कुर्ग में नदियों का संगम है, वो दो कौन सी नदियां हैं जिनका संगम कुर्ग में मिलता है। आंसर करिएगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर कर देते हो, और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका सुज्योति। ठीक है, ये होगी आपकी वो रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज मेंट बाय सेक्युलरिज्म हैविंग, यानी कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है। प्रीएम्बल के ये सारे वर्ड एक बार देख लेना, धर्म निरपेक्षता, अखंडता, समाजवाद, ये लोकतंत्र, गणराज्य, ये जो वर्ड्स है ना, ये सारे वर्ड्स प्लीज देख करके जाना। चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द फ्रीडम टू प्रीच प्रैक्टिस एंड प्रोफेस एनी रिलीजन। भाई भारत में आप किसी भी टाइप का धर्म जो है वो फॉलो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। कौन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएगा कि कौन सा आर्टिकल भारत में किसी नागरिक को किसी भी धर्म को फॉलो करने, उसका प्रचार प्रसार करने और उसका अनुशासन करने का राइट देता है। विच आर्टिकल गेव द सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रैक्टिस टू फ्री प्रोफाइल एंड प्रोपगेशन of any particular religion in the Indian territory. Answer, मैंने एक question put किया है, जल्दी से answer करो जरा। Okay, so आपका article, ठीक है। Okay. 25th सही है। ओके, करेक्ट कर दिया आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड 2015 फॉर एलिमिनेटिंग ओपन डिफेक्शन हैज बीन गिवन टू, खुले में शौच को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2015 किसे दिया गया था। बहुत पुराना आंसर है इसलिए मैं आंसर डायरेक्ट बता दे रही हूँ। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसमें करेक्ट आंसर, आपकी पश्चिम बंगाल में नादिया को दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रीडम नॉट ग्रांटेड टू सिटीजन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को इनमें से कौन सी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। बताइएगा आंसर, कौन सी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ओके, ठीक है, सो करेक्ट कर देते हैं, और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, असेंबल पीसफुली इवन विद आर्म्स, नहीं बल्कि आपका असेंबल पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन पीएम नरेंद्र मोदीज रीसेंट विजिट टू कोरिया वन इम्पोर्टेंट इशू ऑफ डिस्कशन विद देयर प्रेसिडेंट वॉज, ये भी नहीं आएगा समझ में, लेकिन इससे ये समझ लो कि कॉरेंट में जितने भी आपके जो भी एग्रीमेंट्स हैं प्लीज उनको एक बार आज और कल में बैठ करके पूरा देख लेना। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बिल्डिंग वेराइटी ऑफ सिल्क्स इन द यूथ। ठीक है, युवाओं में विभिन्न प्रकार के कौशल
स्किल्स इन द यूथ, ठीक है, कौशल का निर्माण करना. क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द एयरपोर्ट अ सूटकेस वॉज ऑफलोडेड फ्रॉम अ ट्रॉली एंड लेड देयर स्टिल, समवन केम एंड पुश्ड इट अवे, विच वन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन. परिकल्प सर का थोड़ा सा आंसर क्वेश्चन आ गया है, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं अपन लोग इसको. तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर. ओके, सही है. सो भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो आपका इस पे इम्पोस्ट हो जाएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एक्लिप्स हैपन बिकॉज लाइट, ग्रहण इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश. जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन गाइस. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. सौम्या माथुर, मनीष कुमार, मानसी, प्रकाश नाइट, दीपक, गुनीत कुमार, ठीक है, आकाश गुहा, ठीक है, श्रीपस जी, ठीक है, आकाश, ठीक है. चलो तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर देते हैं कि भाई एक्लिप्स होते हैं क्योंकि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सीधी प्रकाश जो है वो सीधी रेखाओं में यात्रा कर पाता है. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड थ्रू अ रिएक्शन बिटवीन. ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसके बीच में प्रतिक्रिया के माध्यम से निर्मित होता है. आंसर करो. ओके, सो करेक्ट आंसर करते हो और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आपके फ्लेगलाइम एंड क्लोरीन से. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. What is likely to happen if the supply of coffee goes up? यदि कॉफी की आपूर्ति बढ़ती है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है. आदर्श राज, प्रवीण सही है, संतोष, सुमन, ठीक है, अभिषेक, राजू कुमार, ठीक है, ओके. हम लोग जैसे ही एनटीपीसी की क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा प्रॉपर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे और उसमें बताएंगे कि क्या टाइमिंग्स है हमारे. ओके, सो करेक्ट आंसर करते हैं और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कॉफी की कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि भाई अगर सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड क्या है, डिमांड हो जाती है कम, अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई हो जाएगी ज्यादा. क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इट इज पॉसिबल टू मेक एलपीजी अवेलेबल इन अ सिलेंडर बिकॉज ऑफ इट्स, इसके किस गुण की वजह से एलपीजी को सिलेंडर में उपलब्ध कराना संभव है. आंसर करिएगा. ओके, सो आंसर कर देते हैं और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि संपीड़न के कारण आप गैस को यानी कि एलपीजी को एक सिलेंडर में अवेलेबल करा सकते हो. क्लियर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप खीरे के पौधे को उखाड़ते हैं तो यह किस तरह का दबाव होगा. इफ यू अपरूट अ कुकुम्बर प्लांट व्हाट काइंड ऑफ चेंज विल इट बी. करेक्ट आंसर करते हैं और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच नेशनलाइज्ड बैंक प्रेजेंटली हैज अ वुमन एज इट्स सीईओ. क्योंकि करंट पर है क्वेश्चन तो मैं ही डायरेक्ट इसका आंसर करूंगी और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी कवर करना पड़ेगा, मतलब अब अगर आपने नहीं करे हैं तो कोई बात नहीं, बट देख लेना थोड़ा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आर यू बीपी एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर. अपने लास्ट टाइम में यानी कि आज और कल में जितने भी नेशनल पार्क हैं वो जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो जो भी आपके इम्पोर्टेंट गेम्स इस समय चल रहे हैं या स्पोर्ट्स जो भी आपके बड़े स्पोर्ट्स हुए हैं वो आईपीएल में कौन सी टीम जीती, कितने रन से जीती, कितने रन से नहीं जीती, ये सारी चीज़ों को प्लीज़ कवर कर लेना. ओके, सो करेक्ट आंसर करते हैं. करेक्ट आंसर इज आपका फोटोसिंथेसिस, यानी कि आरयूबीपी किंड 1 किसके लिए आवश्यक है, तो आपके प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंसेक्ट, इनमें से एक सामाजिक कीट नहीं है, कौन सा? केमिकल चेंजेस हो रही हो उसका पूरा जो नेचर है, यानी कि जो पौधा अपना खिल रहा था या उसमें चीजें चेंजेस हो रही थी, वो भी तो बदल जाएंगी, और दोबारा थोड़ी ना उसको हम रीजनरेट कर सकते अगर एक बार गया तो. ओके, सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, बीटल, जिसको हम भ्रंग कहते हैं, वो आपका एक सोशल कीट है, सच नहीं होता है. बिल्कुल सही है, बीटल इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, हु कॉइन द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टू मीन नेचुरल सिलेक्शन. प्राकृतिक वरण के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्वास्थ्यम की उत्तर जीविता वाक्यांश किसने दिया था? ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, परिकल्प सर के मुंह से बल्कि काफी सुना होगा. परिकल्प सर बहुत बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ओके, सो करेक्ट आंसर करते हैं, और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर ने आपका ये वाला स्टेटमेंट, ये वाक्य जो है वो दिया था. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द चैंपियंस लीग ट्रॉफी इज गिवन फॉर, देखिए ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो चैंपियन लीग ट्रॉफी जो है वो आपकी किस लिए दी गई थी, वो आपकी दी गई थी, सही है, बेस्ट क्लब इन सॉकर, फुटबॉल में सबसे अच्छा क्लब के लिए आपकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो दी जाती है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट बैट्समैन हैज टू लीव द फील्ड फॉर हिट विकेट व्हेन, क्रिकेट बल्लेबाज को हिट विकेट के लिए मैदान छोड़ना पड़ता है जब? आंसर करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन गाइस. ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, द विकेट इज टच्ड बाय बैट और बॉडी ऑफ द बैट्समैन. ठीक है, ये तो आप लोगों को अच्छे से आता होगा, बहुत देखते भी होंगे. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट इन सरफेस वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय, पानी के सतह के पानी में मौजूद निलंबित ठोस पदार्थों को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन का. ओके, सो करेक्ट आंसर करते हैं, आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ग्रेविमेट्रिक टेस्ट के द्वारा. तो जो भी सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं वो आपके सरफेस पे प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो आपके ग्रेविमेट्रिक टेस्ट के द्वारा डिटरमाइन ये चीज जो है करी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीज कॉज्ड बाय मरकरी इज नोन एज, भाई मरकरी से होने वाले रोग का नाम बताना है हमें, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सही है राजू कुमार जी, ओके सही है. अरुण यादव आंसर सही था. परी तिवारी वेरी गुड. एस के सिंह सही आंसर. ओके, करेक्ट आंसर कर देते हैं, और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्या, मीना माता. ब्लू सिंड्रोम डिसीज आपको पता होगी, ब्लू सिंड्रोम डिसीज आपके नाइट्रेट्स के कारण ज्यादातर होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेपोनिफिकेशन प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सी एक साबुनीकरण प्रतिक्रिया है? आंसर करिएगा. ओके, सो करेक्ट आंसर करते हैं, और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का अणु है? बताइएगा आंसर. ऑप्शन सेकंड आंसर आ रहा है काफी लोगों का, ठीक है, वन नहीं होगा. ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, क्लोरीन इज द राइट आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म ऑल बॉडीज फंक्शन इन अ सिंगल सेल, निम्नलिखित में से कौन एक ही कोशिका में शरीर के सभी कार्य करता है? एक ही कोशिका में शरीर के सभी कार्य करता है कौन?
डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन गाइज. मोहित गुप्ता वेरी गुड. आर्यन आप नहीं एनटीपीसी के लिए अभी फॉलो मत करिए इसको. एनटीपीसी की क्लासेस जल्दी टेक्स्ट बुक हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं तो वहां पर आपको टाइमिंग हम लोग बता देंगे एक दो दिन में. ठीक है कनन वेरी गुड. ओके सो करेक्ट आंसर कर देती हूँ और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो है वो होंगे आपके सिंगल सेल में परफॉर्म. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फूड चेन गिवन बिलो हु गेट्स द लीस्ट एनर्जी. फूड चेन फूड मैप इकोलॉजी. मैंने पहले शुरू में कह दिया था एनवायरमेंट देख कर जाना. तो लीव्स कैटरपिलर बर्ड्स और कैट्स बताइएगा सबसे कम ऊर्जा मिलती है किसमें. हाँ पीडीएफ मिल जाएगा. ऑप्शन फोर्थ आंसर आ रहा है. ठीक है ठीक है तो करेक्ट आंसर कर देते हैं आपका ऑप्शन फोर्थ यानी कि कैट को सबसे कम मिलेगा. ठीक है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ फ्लावर बिकम द सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. निषेचन के बाद फूल का कौन सा हिस्सा बीज बन जाता है. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन गाइस. और ठीक है कल सुबह 9:30 बजे अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में कल सुबह 9:30 बजे आप आ सकते हैं. प्लस आपके जितने भी लोगों के आरआरबी जेई के जो पेपर हैं अपना अपना एडमिट कार्ड प्लीज़ शेयर करिए मेरी मेल आईडी पे. ओके सो करेक्ट आंसर कर देते हैं और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि ओव्यूल. ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. One feature in which spider are different from insect is that spider have. मकड़ियाँ कीड़ों से भिन्न होती हैं क्योंकि मकड़ियों में संयुक्त पैर होते हैं. बताइएगा. और जानकर खुशी होगी आज की स्पीड इतनी थी कि हम 47th क्वेश्चन कर रहे हैं. 47वां क्वेश्चन चल रहा है ये. 47 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए अभी तक अपने. ओके सो आंसर करते हैं और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फोर यानी कि फोर पेयर ऑफ लेग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का. इन ह्यूमन डाइजेशन बिगिंस इन द. मनुष्यों में पाचन कहाँ से शुरू होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेना इम्पोर्टेंट है. अरे एडमिट कार्ड का क्या करें. कुछ नहीं बेटा आप लोग एग्जाम देके आएंगे तो हम आपको लाइन पर लेंगे हम आपको लाइव रखेंगे और देन आफ्टर अदर स्टूडेंट्स के साथ हम लोग एनालिसिस करेंगे पेपर का और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपना एडमिट कार्ड हमारे साथ शेयर करें. ओके ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना कि हम आपके एडमिट कार्ड का क्या ही कर लेंगे. ठीक है तो इतना डरो नहीं. चलिए करेक्ट आंसर बक्कल कैविटी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. विच इज नॉट अ हेरिडिटरी फीचर इन ह्यूमन. इनमें से कौन सी मनुष्यों में वंशानुगत विशेषता नहीं है. वंशानुगत विशेषता नहीं है आंसर करना है. कम ऑन गाइस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से. ओके सो आंसर कर देते हैं और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि वेट जो है वो हेरिडिटरी नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एंड दिस विल बी अ लास्ट क्वेश्चन. पैरालंपिक्स इज अ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट इन्वॉल्विंग दोज एथलीट्स आर. पैरालंपिक्स उन एथलीटों को शामिल करने वाला एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो. Come on guys, question का आंसर जो. लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. इसके बाद शाम को 5 बजे तक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा. तो मैं पीडीएफ आप लोगों को लेकिन ये तब दे दूंगी जब आप लोग अपना एडमिट कार्ड मेरे साथ शेयर कर देंगे और मेरा मेल आईडी है shefali.rathore@textbook.com. करेक्ट आंसर देते हैं और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विद अ रेंज ऑफ फिजिकल डिसएबिलिटी. ओके एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
ओके चलिए सो ये हो गया आप लोगों के सारे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आज आप लोगों ने कंप्लीट किया। आज मैंने सोचा था कि आज आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि हमेशा 30, 30 या 35 करा रही थी, तो भाई 50 क्वेश्चन आज आप लोगों ने कंप्लीट किए। वेरी गुड गाइस, कीप इट अप। आप लोगों ने साथ में, सिर्फ मैंने अकेले नहीं बल्कि आप ही ने इसको कवर किया है और आप ही ने ऐसे सारे क्वेश्चन भी किए हैं, तो अपना जो अपनी जो एंथुसियाजम्स है, वो आपकी जो एनर्जी है, आपका जो लेवल है, उसको डाउन बिल्कुल मत होने देना। कल आपका वो दिन है जब आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, कल का वो दिन है जब आपको अपनी लास्ट पॉइंट पे चीजें क्लियर करनी है, ठीक है। तो कल आपसे एक बार फिर मिलेंगे, हो सकता है क्वेश्चन के साथ, हो सकता है सारी फैकल्टीज के साथ, और आपको विश करेंगे बेस्ट ऑफ लक, प्लस अपना एडमिट कार्ड देना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। ख्याल रखो, अपना प्रिपरेशन करते रहो, नई चीज बिल्कुल मत पढ़ना क्योंकि परसों से एग्जाम हो रहा है। ओके, बाय बाय।